मिलेगा। जब मैंने पुलिस को देखा तो यकीन जाने मैं अपने काबू में न रही। यही सियालकोट की पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ थी, इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मेरे गिरेबान में हाथ डाला, मेरी चादर खींची गई, बाल खींची गई। मैं जब भी इनको देखूंगी ना, यकीन करो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा डर जाओ माँ की बददुआ से, डर जाओ। मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि डर जाओ, अल्लाह की लाठी बे क्या बड़ी बे आवाज़ है। तो मेरी उम्मीद है कि मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगर इन्होंने मेरे बेटे को 48 घंटों में बाहर ना लेके आए तो फिर देखें आगे से क्या होता है। अच्छा, मैं फिर अपना रद्द अमल दूंगी। देखो ना, अगर वो मुझे गिरफ्तार कर दे तो मेरे अपने जमीर की आवाज़ से ना, मैं कहती मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं तो खड़ी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। देखिए सर, मेरे बाबा को अगवा करने का। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ऑर्डर जो जस्टिस बाकर नचवी साहब ने किया था, वो ये किया था कि 9 पॉइंट्स हमने बताए थे, 9 कैमरास जिनकी फुटेज हमें चाहिए थी 10:30 से लेकर 12:15 के दरमियान। तो उसमें 2 दिन हम पुलिस के साथ कॉपरेट करते रहे हैं। हमें ये कहा गया था, पुलिस ने कमेटी बनाई है जिसको SSP साहब हेड करेंगे और उसमें 3 SPs होंगे जिनके साथ बैठ के हमने वो वीडियोज़ देखनी है और जिन्होंने उस उमर डार साहब को अरेस्ट किया, अगवा किया है, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन पुलिस के पास हम जब SSP साहब के पास गए, उस ये इमरान डार साहब गए, उस्मान उमर डार साहब के भाई, तो वहाँ पे हमें उन्होंने SP कैंट साहब के पास पहले भेज दिया और फिर 2 SHOs थे डिफेंस ए और डिफेंस बी के, हमें उनके मरहूने मिनट छोड़ दिया और उसमें उन्होंने हमें सारी वीडियोस भी दिखाई। और तो जो ख़ास टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड पे हमें था कि 11:40 पे जिस पे उमर डार साहब को अबडक्ट किया गया, उस टाइम पीरियड की हमें वीडियोज़ नहीं दिखाई गई। और उसमें एक वीडियो थी हाउस नंबर 570 की, जिसमें कुछ नज़र आ रहा था कि पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं। वो वीडियो जो है वो जब हमने देखना चाहिए तो वो वीडियो बंद कर दी गई। ये सारी चीज़ें हमने जज साहब को बताई कि रेलेवेंट जो सेम अच्छा वाला कैमरा था जिससे सारा कुछ नज़र आ रहा था, साथ वाले फर्नीचर शॉप का, उसकी वीडियो जो थी वो परेशानी और हैरानी की बात है कि वो 11:30 से लेके 12 बजे के दरमियान अवेलेबल ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं इस वक्त लाइट नहीं थी, लेकिन हमने चेक किया लेस्को से लाइट तो थी उस वक्त। सो इस वजह से हमें पुलिस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हमें जज साहब को ये सारी चीज़ें सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट फ्रॉम मिस्टर इमरान डार, पूरे 2 दिन के जो पुलिस के साथ हमारी इंटरेक्शन है, हालांकि करना SSP साहब ने हमारे साथ बैठ के ये सारा काम था, SHOs के साथ बिठा के डिफेंस ए डिफेंस बी के साथ ये सारा कुछ करवाया, हमने जज साहब को सारे प्री एप्रीहेंशन बताई। तो उन्होंने अब ऑर्डर किया है SSP ऑपरेशन को, अली रजा साहब को, कि वो इमरान डार साहब के साथ बैठेंगे 10:30 से लेकर 12:15 के दरमियान, इन 9 कैमरा की वीडियो फुटेज इनको दिखाएंगे और इनको उसकी कॉपी भी देंगे और फिर कोर्ट के अंदर कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट 2 दिन के अंदर जमा कराएंगे। ये आज की सारी प्रोसीडिंग्स है। अली बाकर नचवी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा इस केस को प्रसू कर रहे हैं, हम उनसे सेटिस्फाइड हैं। और लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो हर कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाए, हमारे साथ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन कोर्ट बैठा हुआ, इंशाल्लाह कोर्ट इसको देखेगा और आगे साथ साथ इस पर प्रोसीडिंग चलती रहेगी। हम इधर कोर्ट में आ रहे हैं। अच्छा, एक साथ अपडेट दूसरी भी दे दूँ, मां जी की जो अपील्स हैं इलेक्शन की, जो RO ने ऑर्डर किया था बड़ा गलत किस्म का, वो इनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए थे और इनकी बहू के भी जो उमर डार साहब की वाइफ हैं, वो हमने अपील्स फाइल कर दी, उसमें नोटिसेज हो गए हैं। इवन के वो जब ऑब्जेक्शन हमने जज साहब को पढ़ के बताए, जो जाली फर्दे इन्होंने हमारे ऊपर लगा के प्रॉपर्टी शो कराई हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करने के लिए, वो भी पूरी कोर्ट के लिए एक बाइस मजाक बन गई बात। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होंगी और मां जी जो होंगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और एक बड़ी लीड से जीतेंगी। ठीक है, थैंक यू। मुझे इस कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह ताला मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखो, जब इंसाफ ना मिले तो मैं क्या करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है।